दोस्तों कैसे हैं आप, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको जिस ऐप के बारे में बताऊंगा उसका नाम है डायलेक्ट चैट। तो आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आपने इसको ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद आपके सामने ये ऐप कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंटर में ऐप्स की ऑप्शन मौजूद है, आपने वहाँ पर क्लिक कर देना है। तो बेसिकली दोस्तों इस ऐप की मदद से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं अपने सेलफोन के ऊपर। मीन्स के अगर आप एक विंडो को क्लोज़ किए बगैर सेकंड विंडो पर कोई भी वर्क करना चाहते हैं, आप अपने कोई भी मैसेज रिसीव करके उसको आंसर करना चाहते हैं पहली विंडो को क्लोज़ किए बगैर, तो आप इस ऐप की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें आप यहां पर ऐड के बटन से यहां पर बेशुमार ऐप जो कि आपके सेलफोन में ही इंस्टॉल हैं वो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। कोई भी सोशल ऐप है या इसके अलावा कोई भी नोटिफिकेशन आपको किसी भी ऐप की रिसीव करनी है तो आप वो भी यहां पर ऐड कर सकते हैं। यहां पर फेसबुक, इंस्टा, स्काइप, व्हाट्सएप, मैसेजेस, हर तरह का ऐप आप जो भी आपके सेलफोन में मौजूद है वो यहाँ पर आप ऐड करते उसे ऑन कर सकते हैं। तो उसके अलावा अब ये ऐप काम किस तरह से करता है, तो दोस्तों अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, मीन्स कि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं या कोई भी अदर वर्क आप अपने सेलफोन पर कर रहे हैं और उस दौरान आपको कोई भी मैसेज रिसीव होता है, तो आपके सामने वो मैसेज यहाँ पर इस ऐप की मदद से एक पॉपअप बॉल के थ्रू आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, जिसकी मदद से आप जस्ट उसको टैप करके ओपन करेंगे तो आप उस मैसेज को यहीं से ही आंसर कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं बगैर पहली विंडो को क्लोज़ किए हुए। मीन्स के अगर मैं कोई भी अगर वीडियो देख रहा हूँ, व्हाट्सएप पे हूँ या कोई भी अदर वर्क कर रहा हूँ, तो उस दौरान अगर मुझे कोई भी मैसेज रिसीव होगा किसी भी ऐप की मदद से, चाहे वो मुझे सेलफोन में मैसेजेस के ऐप के ऊपर कोई मैसेज रिसीव हो, इंस्टा के ऊपर आए, फेसबुक के ऊपर आए, कोई भी नोटिफिकेशन जिस ऐप को मैंने वहाँ पर फ़ोन किया हुआ है उन ऐप की मदद से मुझे कोई भी अगर मैसेज रिसीव हुआ तो वो मुझे यहाँ पर इस पॉपअप बॉल के थ्रू शो हो जाएगा, जिसकी मदद से मैं बहुत ही आसानी से उसे यहीं से ओपन करके यहीं से उसका रिप्लाई कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे स्पेशल व्हाट्सएप को ओपन करना नहीं पड़ेगा, उस ऐप को, सेकंड ऐप को जिसके ऊपर मुझे कोई मैसेज आया है या मैं उसको रिप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे उसको स्पेशल ओपन नहीं करना पड़ेगा पहली विंडो को क्लोज़ किए बगैर, मैं उसे यहीं से ही रिप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप बेशुमार सोशल साइट्स के ऐप, सोशल ऐप जो भी कोई आपके पास सेलफोन में मौजूद है आप उसे यहाँ पर ऑन कर सकते हैं और उसके साथ ही यहीं से ही आप उसका कोई भी रिप्लाई जो भी आप करना चाहते हैं आप उसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐप में आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास कुछ सेटिंग्स मौजूद हैं, आप सेटिंग में आ जाएं। सेटिंग ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको जनरल में मौजूद ऑप्शन है कि मैसेज प्रीव्यू, अगर आपको कोई भी मैसेज रिसीव हुआ है तो आप पॉपअप बॉल के ऊपर जैसे ही अब ये मैसेज कोई भी आ गया है, इंस्टा के ऊपर कोई मैसेज आया तो मुझे वहाँ पर शो हो गया कि नंबर शो हो चुका है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर शो मैसेज प्रीव्यू के ऊपर चेक कर दूँ तो जैसे ही मुझे कोई भी मैसेज रिसीव होगा तो वो मैसेज जो भी कुछ आया है, कुछ मैसेज आया है या कोई भी चीज़ मुझे नोटिफिकेशन रिसीव हुई है तो वो यहाँ पर प्रॉपर टेक्स्ट मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके अलावा प्रीव्यू का टाइम आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि कितने सेकंड तक वो प्रीव्यू आपको शो होता रहे। उसके अलावा आप पॉपअप बॉल के आइकन को जो है आप इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज डिक्रीज अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी मूवमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि उसके अलावा आप उसकी वाइब्रेशन, टोन वगैरह आप वो तमाम चीज़ें सेटिंग्स में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इस ऐप की मदद से आप बहुत ही आसानी से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं बगैर अपनी पहली विंडो को क्लोज़ किए, आप सेकंड विंडो के ऊपर भी काम कर सकते हैं एक ही टाइम में। तो दोस्तों आज का ऐप आपको कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।